नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम तैयारी पर। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के द्वारा EMRS के द्वारा नई वैकेंसी की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS रिक्वायरमेंट 2024 की। दोस्तों, बात करते पोस्ट की संख्या की, पोस्ट रहने वाली है 38,480, यानी कि लगभग 40,000 के लगभग आपकी पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन 10th, 12th या ग्रेजुएशन पास, यानी कि कम से कम आपने 10th पास भी की है दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें सैलरी की, सैलरी आपकी 63,700 रुपये रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और हमारे इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास साझा जरूर करें, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम बात करेंगे EMRS रिक्वायरमेंट 2024 के फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है, कब फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, और दोस्तों फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। इन सब के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है EMRS रिक्वायरमेंट 2024। दोस्तों, बात करें पोस्ट नेम की, यानी कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, दोस्तों इन पदों पर वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, बात करें टोटल वैकेंसी की, टोटल वैकेंसी आपकी 38,480 रहने वाली है। दोस्तों, फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इलिजिबल है। दोस्तों, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि CBT, उसके बाद में होगा इंटरव्यू, और दोस्तों इन्हीं दोनों के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, बात करें सैलरी की, सैलरी आपकी 44,900 से लेकर 142,400 रुपए तक रहने वाली है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। दोस्तों, बात करते हैं जॉब लोकेशन की, जॉब लोकेशन रहने वाली है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, मिनिमम एज 18 ईयर, मैक्सिमम एज 50 ईयर, और दोस्तों इसमें नियमों के अनुसार इसमें छूट मिलने वाली है, यानी कि OBC को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, प्रिंसिपल और वॉइस प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपये रखा गया है, PGT और TGT के लिए 1,500 रुपये रखा गया है, और दोस्तों नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए 1,000 रुपये रखा गया है। पेमेंट आपको ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग के द्वारा करना होगा। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए सेम रखी गई है। दोस्तों, बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, 10th, 12th या बैचलर, दोस्तों इनमें से कम आपके पास में एक भी डिग्री है या एक भी क्वालिफिकेशन है, दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, बात करते हैं स्टार्टिंग डेट की, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे अप्रैल 2024 को, लास्ट डेट है मई 2024। दोस्तों, एग्जाम डेट दे रखी है आपकी जून के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम होने वाली है। दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद में उसे अच्छी तरीके से रीड करना है, रीड करने के बाद में फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी EMRS भर्ती 2024 के बारे में A to Z संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।